आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूला बोरान एंड रूला फिजियार है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो गार्डनिंग करते हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि जब फ्रूट की प्रोडक्टिविटी बाग में बढ़ेगी तभी जाके लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर काम करेंगे। हम अगर बोरान स्प्रे की बात करेंगे, बोरान स्प्रे से बहुत सारा फ़ायदा है हमारे पौधों का। और आप अगर पूछेंगे कि इस स्प्रे को कब करेंगे हम और कैसे करेंगे, बोरान स्प्रे हम इस पौधे को आप देख सकते हैं कि इस पौधे पर अभी पत्ते नहीं लगे हैं, अभी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते लग रहे हैं, अब इसमें फूल भी नहीं आ गए हैं। इस स्टेज पर आप बोरान स्प्रे कर सकते हैं। बोरान स्प्रे से आपके पौधे में जो ये फूल वगैरह आते हैं वो स्ट्रांग होंगे, और उसके अलावा जो आपके बाग में जो फल लगता है, वो जो फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो बोरान स्प्रे उसमें मदद कारगर साबित होती है। उसके बाद अगर बोरान स्प्रे आपके पौधों पर हो जाती है, उसके बाद आपके गार्डन में फ्रूट गिरना बंद हो जाते हैं। उसके अलावा बोरान स्प्रे से हमारा जो फ्रूट होता है, एप्पल जो होता है, उसमें जो बीज होता है वो बनना शुरू हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। उस तरीके से आपके बाग में ये फ्रूट नहीं गिरता है। अगर दूसरा टॉपिक जो हमारा है रूला पीजीआर, आपके बाज़ार में बहुत सारे पीजीआर्स हैं, वो आप ला सकते हैं, और उनकी स्प्रे आप कैसे करें। अगर हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम में उतार चढ़ाव आता रहता है, बारिशों का सिलसिला बाज़ अवकात कंटिन्यूसली रहता है, और दाजहर बिल्कुल ड्राप हो जाता है। उस वजह से जो हमारे बागों में फूल लगते हैं वो बाज़ अवकात फूलों को इतनी तेज़ हवा लगती है जिस वजह से वो फूल ही मर जाते हैं, और वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकते आपके फ्रूट में। अगर आप पीजीआर की स्प्रे करें, उससे आपका ये फूल जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आप हम फूल की बात करें, इस फूल में एट ए टाइम लगभग 4-5 फूल होते हैं, और एक बीच वाला जो इसमें फूल होता है उसको किंग ब्लूम कहते हैं। किंग ब्लूम अगर आप देखें, पीजीआर की स्प्रे आप जब आपके पौधे पर 40-50% 30-40% फूल आना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त आप फर्स्ट पीजीआर की स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो ये किंग ब्लूम होता है ये सारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद इसमें दो स्प्रेज करनी है, ये याद रहे आपको, एक स्प्रे से काम नहीं चलता है, दो स्प्रे। दूसरी स्प्रे जब 80-90% आपके बाग में जब फूल आने शुरू हो जाते हैं और फूल आ जाते हैं, उस वक्त आप दूसरी पीजीआर की स्प्रे कर सकते। अगर हम पीजीआर की बात करें कि पौधे में जो स्टोरेज ऑफ फूड होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी पीजीआर की स्प्रे से, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि पौधे में इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ ऑफ फ्रूट जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में पौधे को एनर्जी लगेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर हम इस फ्रूट सेट की बात करें, इस फ्लावर सेट की बात करें, एक फ्लावर सेट में लगभग 5 फूल होते हैं, और जिसमें सेंटर वाले फूल को हम किंग ब्लूम कहते हैं। अगर आप पीजीआर की स्प्रे करेंगे, उससे क्या मदद मिलेगी पौधे को, ये फ्रूट इस सेट में जो 4-5 फूल होते हैं, इसमें 5 में से 3 या 4 कन्वर्ट होंगे फ्रूट में। इसके अलावा ये फ्लावर्स जो होते हैं इनकी एज 6-7 दिन तक रहती है, 6-7 दिन के बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पीजीआर इस्तेमाल करेंगे, पीजीआर से हमारे पौधों में बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद आपने जब हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट करने के बाद आप, क्योंकि हमारे पौधे में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हुई है, उसके लिए हमने पौधे में गुडाई करनी है। गुडाई के बाद आपने क्या करना होगा, गुडाई के बाद आपने पौधे में यूरिया डालना है। यूरिया, जैसे हम यूरिया 10-15 साल तक के पौधे को हम 700 ग्राम यूरिया डालते हैं। उसके अलावा पॉलिनाइजेशन भी आपके बाग के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिनाइजेशन के लिए क्या करना है, आपने 100% अगर आपके पास पौधे हैं, 100% में 33% यानी 100 प्लांट्स अगर हैं आपके पास, आपने 100 प्लांट्स को 33 प्लांट्स मेल प्लांट प्रोवाइड करने हैं।
तब जाके आपके बाग में पॉलिनाइजेशन अच्छी होगी, उसके बाद आपके बाग में अच्छा फ्रूट आएगा।